हमने आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा, चोट उधर पड़ी और पीड़ा यहां पर हुई, आंसू यहां बहने लगे। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया, ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे हमारे अखबार वाले, भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ये क्या तरीका है? भाइयों बहनों, हमने आतंकियों के मन में डर पैदा किया, ये ठीक किया कि नहीं किया? वरना आए दिन हिंदुस्तान में धमाके करते रहते थे, कभी अजमेर में धमाका, कभी समझौता एक्सप्रेस में धमाका, कभी मुंबई में धमाका, कभी हैदराबाद में धमाका, कभी काशी में, कभी अयोध्या में, कभी जम्मू में। 5 साल से सब बंद है ना, है कि नहीं? ये पुलिस वाले तो वही है भाई, पुलिस वाले तो वही है। ये बंद क्यों हुआ, ये बंद क्यों हुआ, क्या कारण है बंद हुआ, क्या कारण है बंद हुआ दोस्तों? अरे मोदी कारण नहीं है, ये आपके वोट की ताकत है कि मोदी ये कर पा रहा है। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया दोस्तों। ठीक किया कि नहीं किया, ठीक किया कि नहीं किया? आप खुश हैं? आपके आशीर्वाद है ना? आप बस 5 साल मुझे मौका दीजिए, फिर देखिए। आपको लगता है ठीक किया, लेकिन कांग्रेस और उसके महामिलावटी लोग हैं, उनको लगता है ठीक नहीं किया। उनका कहना है आतंकवाद, राष्ट्र की रक्षा ये मुद्दा ही नहीं है। अरे मेरे वीर बेटे तिरंगा लपेट करके घर आ रहे हैं और तुम कह रहे हो मुद्दा नहीं है? कब तक, कब तक मैं देश के वीर बेटों को मरने दूंगा? ये मुद्दा है। कांग्रेस के नामदार कहते हैं कि मोदी को भारत के शौर्य की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों भाई, तो क्या मैं यह भजन मंडली चलाने आया हूं क्या? क्या तरीका है ये? क्या आपको पता है कि कांग्रेस ऐसा क्यों कह रही है? साथियों, इसके पीछे एक पूरा इतिहास है जिसका अहम सेंटर ये बाड़मेर रहा है, राजस्थान रहा है, यहां की वीर माताएं रही है। यहां अनेक पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया था। तब हमारे सैनिकों के शौर्य के कारण पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा हमारे कब्जे में आया था। 90,000 पाक सैनिक हमारे कब्जे में थे साहब, लेकिन उसके बदले में हमने शिमला में जाकर के क्या किया, सरकार ने टेबल पर सब गंवा दिया जो जवान जीत करके लाए थे। दुनिया भर से जो दबाव भारत पर पड़ा और सरकार ऐसी कांप गई कि उन्होंने हस्ताक्षर कर करके मामला पूरा कर दिया। अगर उस समय मोदी होता तो नब्बे हजार सैनिक भी वापस कर दिए और हमारी जमीन जो लाए थे जवान वो भी वापस कर दी। भाइयों और बहनों, वो सुनहरा मौका था। उस 90,000 युद्ध कैदियों के बदले में
जम्मू कश्मीर की समस्या को हल करना, घुसपैठ की समस्या को हमेशा के लिए हल करना भारत के हाथ में तुरुप का पत्ता था भाइयों, लेकिन मौका गवा दिया। परिणाम पूरा भारत आज भुगत रहा है। वहीं आज की स्थिति देखिए साथियों, भारत ने बिना युद्ध के पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर आतंकवादियों को ढेर कर दिया है जी। और पाकिस्तान पूरी दुनिया में रो रहा है, पूरी दुनिया भारत के साथ है आज, और ये होती है दमदारी सरकार।